subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू ट्रिपल आर एकेडमी चंदोस, मैं हूं रोशन और आज आपको बीच लाया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो। फ्रेंड्स, मैं अब तक प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बताया और आज मैं बता दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी प्रेस करें ताकि मैं अगला वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। यह है टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, 50 वस्तु के बेचने से 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 50 वस्तु को बेचने से 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम पहले कर लेंगे क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं। क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। हाँ, अब आगे कर लेंगे विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, मतलब 50 वस्तु को बेचने से यानी 50 जो है 50 वस्तु का सेलिंग हो रहा है, सेलिंग यानी एसपी। अब इसका हम मतलब अपोजिट ले लेंगे, मतलब 50 का अपोजिट ले लेंगे यहाँ पे 50 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। इसका बराबर मतलब 50 एसपी के बराबर 50 सीपी मान लेंगे, 50 सेलिंग प्राइस के बराबर 50 कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक ना। देखेंगे पहले यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कर लेंगे आगे, यहाँ पे क्रय मूल्य में बदल लेंगे। जो यहाँ होता है जैसे यहाँ पे एसपी है तो यहाँ पे पहले देख लेंगे, इसके अपोजिट लिखेंगे, इसके अपोजिट 50 लिखेंगे और देख लेंगे इधर क्या कह रहा है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है या 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है। तो यहाँ पे है 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसीलिए हम मान लिए 50 का कॉस्ट प्राइस, अपोजिट करके इसका 50 के अपोजिट करके इसको कॉस्ट प्राइस मान लिए मतलब क्रय मूल्य। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 20 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर, अब प्लस कर लेंगे लाभ होता है, जब लाभ होगा तो प्लस 20 कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस कर लेते हैं, अरे हानि होता तो माइनस कर लेते हैं और प्लस लाभ होगा तो प्लस कर लेंगे। तो प्लस क्या है, ये 20 मेरा 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यानी 20 जो है सीपी है मेरा यानी क्रय मूल्य होगा सीपी। हाँ, अब आगे कर लेंगे 50 एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर, अब इस सीपी को जोड़ लेंगे, दोनों एक ही जाति के हैं। हाँ, सीपी है इसको जोड़ लेंगे तो 50 से 20 70, यहाँ प्लस का है, प्लस का साइन है तो जोड़ लेंगे 50 से 20 70 70 सीपी यानी सेलिंग प्राइस। हाँ, अब यहाँ पे है 50 सीपी यानी कि 50 सीपी मतलब 50 गो जो वस्तु है, हाँ 50 ठो वस्तु है, 50 ठो सेलिंग प्राइस, 50 ठो सेलिंग प्राइस, चाहे 50 ठो वस्तु बेचते हैं। हाँ, तो वो 70 वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। जब कुछ भी हम कोई वस्तु मतलब 50 ठो कोई वस्तु है उसको 70 ठो वस्तु के बराबर बेचते हैं तो मुझे लाभ होता है ना, 70 20 वस्तु लाभ होगा ना मेरा, 20 वस्तु लाभ होगा। 50 ठो कोई वस्तु है मेरे पास और उसको 20 मतलब 70 ठो वस्तु के साथ मतलब बराबर उसके बराबर बेचेंगे तो मेरा 20 वस्तु मतलब जो होगा ना लाभ होगा। तो वही भी यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो प्रतिशत लाभ बराबर मैंने पहले ही आपको बताया है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है मतलब वस्तु के केस में, हाँ वस्तु के केस में जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो लाभ गुना 100 बटा
विक्रय मूल या प्रतिशत हानि निकालना हो तो हानि गुना 100 बट्टा विक्रय मूल। और पैसा कैसे बताया था पहले आपको, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल। हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल। बस इसमें अंतर होता है क्रय मूल पैसे वाले में नीचे क्रय मूल होता है और वस्तु वाले केस में नीचे विक्रय मूल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वस्तु वाले सब केस है, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ गुना प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ गुना 100 बट्टा विक्रय मूल कर लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, अब इसी पे बात इसी पे सेट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ना 50 वस्तु जो है, 50 वस्तु को जब बेचते हैं तो 70 वस्तु के बराबर मुझे मतलब लाभ होता है। ठीक, मतलब कॉस्ट प्राइस 50 वस्तु बेचते हैं, 70 वस्तु के खरीद जितने में 70 वस्तु खरीदते हैं ना, 50 वस्तु जब बेचते हैं और 70 वस्तु खरीदारी पर बराबर होता है, तो मेरा ना 20 जो है ना लाभ, 20 वस्तु बराबर लाभ, 20 वस्तु का लाभ होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 20 गुना 20 वस्तु का लाभ है तो 20 गुना 100 बट्टा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है मेरा, तो विक्रय मूल्य मेरा है यहाँ पे मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 50 है बट्टा 50। अब इसको काट लेंगे तो 50 गुना 100, अब इसको इसको गुना कर लेंगे 20 गुना 2 बट्टा 20 गुना 2 बराबर 40, 40 होगा ना, यही 40 प्रतिशत जो होगा ना लाभ होगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है 40 वस्तु के बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा या क्या है 40 वस्तु को बेचने से। तो 40 वस्तु यानी बेचना बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस, हाँ यहाँ सीबी कर लेंगे, एसपी कर लेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी बराबर इस तरफ मान लेंगे 40 वस्तु का इस तरफ क्या है क्रय मूल्य है ना, सीपी है ना, एससीपी है, तो इस तरफ सीपी मान लेंगे इसको, इस तरफ अगर सीपी मतलब रहे तो सीपी मान लेंगे, इसका अपोजिट मानना है उल्टा, 40 वस्तु का एसपी है तो 40 वस्तु का सीपी कर लेंगे। अब कह रहा है, क्या कर रहा है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जब लाभ होगा तो प्लस के साइन देंगे, हाँ वस्तु का 10 वस्तु का क्रय, 10 वस्तु के क्रय मूल्य, यहाँ 10 वस्तु जो क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी है, लिख लिए। ठीक है, अब जो है इसको आय कर लेंगे 40 वस्तु का एसपी, 40 वस्तु का एसपी बराबर इसको जोड़ लेंगे, सीपी सीपी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 40 से 10 50 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, 50 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस, 40 वस्तु का मतलब 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है ना मतलब 10 जो है 10 वस्तु का लाभ हो रहा है, 10 वस्तु का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले ही 10 गुना 100 बटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य यहाँ क्या है मतलब विक्रय मूल्य 40 है, यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य मेरा 40 है, इसको काट लेंगे 10 चौका 40 और 4 दुना 8 हजार 4 × 8 और 4 × 5 = 20। ठीक, अब 25% जो है ना यही प्रतिशत लाभ होगा, यही इसका आंसर होगा, 25% पूछ रहा ना तो लाभ प्रतिशत क्या है, 25% जो है ना इसका लाभ होगा, यही जो इसका है आंसर है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है 50 वस्तु के बेचने से 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या क्या है, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा 50 वस्तु को बेचने से, यानी 50 वस्तु जो है ना वस्तु 50 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी हो रहा है, सेलिंग हो रहा है बराबर, इधर मान लेंगे 50 वस्तु का इसके अपोजिट है, अपोजिट क्या होगा 50 वस्तु का उल्टा, 50 वस्तु का होगा यहाँ पे मतलब क्रय मूल्य यानी
सीपी 50 वस्तु को बेचते हैं इधर, ये 50 वस्तु को इधर खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य, इधर हो जाएगा विक्रय मूल्य। जैसे इसको अपोजिट मानना है, इधर एसपी है तो इधर सीपी मान लेंगे, और इधर सीपी है तो एसपी मान लेंगे। और आगे क्या है, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत लाभ क्या होगा। अभी आगे कर लेंगे 10 वस्तु का विक्रय मूल्य का लाभ, लाभ जो लाभ है तो यहाँ प्लस करेंगे, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यानी प्लस से साइन देंगे, लाभ है प्लस साइन देंगे। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का एसपी हो रहा है यानी सेलिंग प्राइस, एसपी हो रहा है मतलब विक्रय मूल्य, तो एसपी। अब आगे कर लेंगे 50 वस्तु का एसपी, एसपी यानी एक जाति वाले को एक साइड कर लेंगे, एसपी और एसपी वाले को एक साइड कर लेंगे, तो इधर एसपी है और इधर एसपी है, 50 वस्तु का एसपी इधर, 10 वस्तु का एसपी। तो इस तरफ इसको लाएंगे बराबर के, इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो मतलब 10 एसपी होएगा, ठीक है, बराबर 50 50 सीपी, ये 50 सीपी यहाँ पे, ये यहाँ पे 50 सीपी। अब कर लेंगे 50 माइनस 10 एसपी, 50 एसपी माइनस 10 एसपी तो हो जाएगा यहाँ पे 40 एसपी बढ़ जाएगा, बराबर 50 सीपी, 50 सीपी। अब है जो यहाँ पे क्या, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 40 वस्तु का एसपी और 50 वस्तु का सीपी, तो इसका होगा मतलब 10 वस्तु जो होगा ना, 10 वस्तु का लाभ होगा, ठीक है, 40 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 होगा 10 वस्तु लाभ, ठीक ना, और गुना 100 बट्टा विक्रम क्या है, विक्रम मूल्य 40 है, विक्रम मूल्य है यहाँ पर मेरा 50, ठीक है। अब इसको जो है ना काट लेंगे तो 50 दूना का 100, 50 दूना का 100 गुना कर लेंगे 10 दूना 20, 10 गुना 2 बराबर 20%, ये 20% जो है ना लाभ होगा, 20% लाभ आंसर, ठीक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन है 50 वस्तु को बेचने से 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताएं। तो कर लेंगे यहाँ पे मतलब 50 वस्तु को बेचने से, तो 50 जो है इसको वस्तु को बेचने से 50 एसपी कर देंगे हम यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेचना यानी सेलिंग प्राइस बराबर, इधर मान लेंगे इसका अपोजिट यानी 50 वस्तु का सीपी मान लेंगे यानी कॉस्ट प्राइस, इसके अपोजिट एसपी के अपोजिट सीपी कर लेंगे। और आगे क्या है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होगा तो माइनस का साइन देंगे यहाँ पे, प्लस होता तो प्लस का साइन, लाभ होता तो प्लस का साइन देते हैं, अभी और हानि होता तो माइनस का साइन देते हैं, इसलिए यहाँ पे हानि है तो हम हानि का साइन देंगे। और आगे कर लेंगे 20 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 20 वस्तु का एसपी हो रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य तो एसपी कर लेंगे। और आगे कर लेंगे यहाँ पे 50 एसपी यानी सेलिंग प्राइस इसको एक जाति वाले को एक साइड लेके आएंगे, तो इधर है 50 एसपी और 20 एसपी इधर है, तो इसको इधर लेकर आएंगे प्लस बराबर की तरफ, तो हो जाएगा ये प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा यानी 20 एसपी, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में और हो जाएगा 20 एसपी, 20 एसपी को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ये इस तरफ 50 सीपी कॉस्ट प्राइस, हाँ। अब कर लेंगे इस दोनों को जोड़ लेंगे 50 20 70 एसपी, 70 एसपी बराबर 50 सीपी, हाँ। अब कर हानि प्रतिशत क्या बताएं, इसका अंतर कर लेंगे, अंतर करेंगे तो होगा यहाँ पे 20 गुना 100 बट्टा विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यहाँ पे विक्रय मूल्य है 70 है, 70, ठीक है। अब इसको जो है ना काट लेंगे, यहाँ से 10 से 10 खत्म,
यहाँ हो गया 200/7। अब इसको काट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28.4/7% जो होगा ना, यही हानि प्रतिशत होगा। हाँ आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है 40 वस्तु को बेचने से 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत क्या होगा 40 वस्तु को बेचने से, यानी 40 वस्तु का बेचने से यानी एसपी है, एसपी हो रहा है 40 वस्तु को बेचने से यानी विक्रय मूल्य बराबर होगा एसपी। विक्रय मूल्य को करेंगे हम इंग्लिश में एसपी यानी सेलिंग प्राइस। 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर इधर कर लेंगे 40 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कर लेंगे इधर, ठीक है। आगे कह रहा है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 10 वस्तु का इधर जो है ना हानि होगा तो माइनस का साइन देंगे, और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य हो रहा था यहाँ पर कर लेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो रहा इधर। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी हो रहा है, और आगे कर लेंगे इसको 40 वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब इसको भी इस तरफ कर लेंगे यानी एक एसपी वाले को और एसपी वाले को एक सेट कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे है मतलब माइनस का साइन है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर की इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 10 एसपी बराबर माइनस ना ये होगा 40 सीपी, ठीक है 40 सीपी हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40 से 10 50 एसपी बराबर 40 सीपी 50 सीपी। अब जो है ना मुड़ाब की तो हानि प्रतिशत क्या हुआ, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 40-50 का कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस 40 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वस्तु का मतलब हानि हो रहा, तो 10×100/ विक्रय मूल्य क्या है, कितना है भाई विक्रय मूल्य यहाँ पे 50 है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर 50 है। अब इसको काट लेंगे तो 50×100 और 10×20% जो होगा ना ये होगा हानि प्रतिशत, आंसर यही होगा, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा अपना राय सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में दे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बाय।